हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6. इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3. हमने अपनी पिछली क्लास में ही क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कर लिया था, जिसके अंदर आपको पिक्टोग्राफ बनाना था. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपकी पिक्टोग्राफ की रीडिंग होगी, बार ग्राफ की रीडिंग और एक बार ग्राफ बनाना होगा. सो लेट स्टार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज अ कबर्ड है 5 कंपार्टमेंट. ये कबर्ड है जिसकी 5 रोज हैं. डन. इन ईच रो बुक इज अरेंज, और सभी रो के अंदर बुक अरेंज की गई है. ठीक है. द डिटेल आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ. सारी डिटेल इस पिक्टोग्राफ में है, तो आपको ये रीड करना है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देने हैं. पहला तो जो भी पिक्चर बनी होती है ना, वो स्केल यानी उस पिक्चर कितने के इक्वल मानते हैं. जैसे ये एक बुक बना रखी है, ये एक पिक्चर बुक की 2 बुक के बराबर है, यानी ये एक पिक्चर है तो आप इसे 2 बुक्स मानेंगे. डन. 5 रो के अंदर ये बुक्स अरेंज कर दी हैं. अब क्वेश्चन नंबर 1 है, विच रो हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक. आपको बताना है किस रो में सबसे ज़्यादा बुक्स है. ये देखिए जिसकी लाइन सबसे बड़ी है, ये है रो 4. तो इसका आंसर होगा रो 4. रो 4 में सबसे ज़्यादा बुक है. विच रो हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ बुक. लीस्ट यानी कम. कौन सी रो में सबसे कम बुक्स हैं. तो सबसे कम सिर्फ ये 2 बुक्स की पिक्चर है. कौन सी रो है, ये रो 4. सो आंसर क्या हो जाएगा, रो 3. रो 3 में सबसे कम है. रो 4 में सबसे ज़्यादा बुक्स हैं और रो 3 में सबसे कम बुक्स हैं. सी पार्ट इज देयर एनी रो विच डज नॉट हैव बुक. कोई ऐसी रो है जिसमें बुक नहीं हो. ये देखिए 5 की 5 रो में बुक्स हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, कि कोई भी ऐसी रो नहीं है जिसमें बुक ना हो. फिर हाउ मैनी बुक्स रो 2 हैव. रो 2 में कितनी बुक्स हैं, तो पहले काउंट करो. ये है आपकी 1, 2, 3, 4, 5. 5 हैं. डन. बट एक बुक किसके बराबर है, 2 के है. तो 5 × 2, इट बिकेम 10 बुक्स. कितनी बुक्स हैं रो 2 में, 10 बुक्स हैं. आप ऐसे भी कर सकते हो, इस एक का 2 है ना, ये 2, 4, फिर ये 6, 8 और 10. तो कितनी बुक्स हैं रो 2 में, 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री बिटवीन द ईयर 2014 एंड 17. एंड की जगह आएगा 2014 से लेकर 2017 तक ईयर में कितने कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्स हुए हैं, उसका डिटेल दिया हुआ है आपको. आपको क्या करना है, ड्रॉ अ बार ग्राफ यूजिंग दिस डाटा. इस डाटा की हेल्प से आपको बार ग्राफ बनाना है. चूज अ स्केल ऑफ योर चॉइस. आप अपनी मर्जी से कोई भी स्केल ले सकते हैं, यानी गैपिंग कितनी होनी चाहिए बार ग्राफ की. वो जैसे एक बार ग्राफ की शीट्स है, इस चीज़ को हम स्केल कहते हैं. जैसे हमने पीछे जब बार ग्राफ बनाया था तो 50-50 का स्केल लिया था ना, इसको हम स्केल कहते हैं. उसने यही कहा है कि स्केल आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कितने की गैपिंग. तो हम 100-100 का ले सकते हैं. डन. तो ये जो बार ग्राफ है, आप ऐसी ही बार ग्राफ की शीट पे, ऐसी शीट पे ये बार ग्राफ बनाएंगे और इसको अपनी नोटबुक के अंदर पेस्ट करेंगे. डन. ये वाली जो वर्टिकल लाइन होती है, यहाँ पे तो आप ये वाला नंबर राइट करेंगे. ये राइट करेंगे नंबर ऑफ कंप्यूटर, यानी 0, 100, 200 ऐसे करके. और इधर हो जाएंगे आप, इधर राइट करेंगे ईयर्स कि 2014 में कितने हैं. तो जहाँ तक 900 जाएगा, वहाँ तक इस तरीके से आप बार ग्राफ बनाएंगे. तो ये आपको अपने खुद करना है अपनी नोटबुक में. पहले बार ऐसी शीट पे ग्राफ बना के फिर कट करके वो शीट आप अपनी फिर नोटबुक में पेस्ट करेंगे. नाउ नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 6. इसमें बार ग्राफ आपको ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसको रीड करके नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसके आंसर्स देने हैं. फर्स्ट है,
बार ग्राफ शो द फेवरेट इंडोर स्पोर्ट्स ऑफ रमेश फ्रेंड्स. ये एक रमेश है, उसके फ्रेंड, उसका फ्रेंड है ना, उसके फेवरेट इंडोर गेम्स के बारे में ये बार ग्राफ है. जैसे कि इधर तो नंबर दे रखा है नंबर ऑफ फ्रेंड्स की, उसके कितने फ्रेंड्स को जूडो जूडो गेम पसंद है. तो ग्राफ देखो कहाँ तक जा रहा है, 15 तक. यानी रमेश के 15 फ्रेंड्स को जूडो पसंद है. सेकेंड है चेस. चेस कहाँ तक जा रहा है, 6 तक, है ना. तो यानी उसके 6 फ्रेंड्स को चेस पसंद है. म्यूजिकल चेयर सबसे बड़ा जा रहा है कहाँ तक, नंबर 18 तक. यानी उसके 18 फ्रेंड्स को म्यूजिकल चेयर पसंद है. टेबल टेनिस कहाँ तक जा रहा है, 15 तक. तो उसके 15 फ्रेंड्स को पसंद है. यानी जूडो और टेबल टेनिस के जो स्केल हैं, जो नंबर्स हैं, वो इक्वल हैं. यानी 15-15 फ्रेंड्स को पसंद है. ये हमने रीड कर लिया. अब इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो गया. फर्स्ट है हाउ मैनी फ्रेंड्स वर टेकन फॉर सर्वे. आपको बताना है कितने फ्रेंड्स उसने लिए सर्वे के लिए. तो आंसर में हम ऐड कर देंगे टोटल फ्रेंड्स ना. पहले क्या है 15, ये हो जाएगा 15. फिर जूडो कितने स्टूडेंट को पसंद है, 6 फ्रेंड्स को. फिर प्लस, फिर नेक्स्ट क्या है 18, ये हो गया प्लस 18, अगेन प्लस 15. 1, 2, 3, 4 है ना, 1, 2, 3, 4 ले लिया. अब इसको ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 54 फ्रेंड्स. तो उसके 54 फ्रेंड्स से ये डाटा कलेक्ट किया गया. फिर विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंडोर गेम, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है. ये देखिए जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है, म्यूजिकल चेयर. तो आंसर क्या हो जाएगा, म्यूजिकल चेयर. वी राइट हेयर म्यूजिकल चेयर. नाउ नेक्स्ट इज विच टू इंडोर गेम्स आर लाइक्ड बाय द सेम नंबर ऑफ फ्रेंड्स. वो कौन से दो इंडोर गेम है जो सेम नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स को पसंद है. एक तो जूडो एंड टेबल टेनिस. सो वी राइट हेयर आंसर जूडो एंड टेबल टेनिस. कितने फ्रेंड्स को पसंद आए थे, 15 फ्रेंड्स. दोनों का सेम है ना, 15-15 फ्रेंड्स. डन. अब हम करेंगे मेंटल मैथ्स. इसके आपको फिल इन द ब्लैंक्स है. फर्स्ट है अ डैश शो डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर. जब डाटा पिक्चर फॉर्म में शो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं. अभी हमने किया, जब पिक्चर फॉर्म में शो करते हैं डाटा तो हम उसे बोलते हैं पिक्टोग्राफ. सो वी राइट हेयर पिक्टोग्राफ. नाउ नेक्स्ट इज द बार इन अ बार ग्राफ आर डैश विड्थ. जो विड्थ होती है ना उसकी चौड़ाई, बार जो ग्राफ होता है, जो पेज होता है, उस पर क्या होती है. भाई ये देखिए बार ग्राफ है ना, इसमें विड्थ की चौड़ाई जो ये बॉक्स है ना, ये इक्वल ही है सारे बॉक्सेस. जो बॉक्स हैं वो सभी बॉक्स की विड्थ क्या है, इक्वल है, सभी एक जैसे हैं. सो वी राइट हेयर इक्वल. द स्पेस बिटवीन बार ग्राफ बार्स इन बार ग्राफ. अब आप ये देखो इनके बीच का जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, वो भी क्या है, इक्वल है. जब भी आप शीट लेंगे बार ग्राफ की तो हमेशा विड्थ इक्वल होनी चाहिए और उसका बीच के स्पेस भी इक्वल होने चाहिए. द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो जानकारी, उसे क्या बोलते हैं, डाटा. सो वी राइट हेयर डाटा. नाउ नेक्स्ट इज इफ स्माइल इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट. अगर इस एक स्माइली का मतलब 2 स्टूडेंट हैं तो दो स्माइली का कित क्या होगा. तो ये हो जाएगा 2 और 2, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 स्टूडेंट्स. क्या आंसर आ जाएगा, 4 स्टूडेंट्स. तो आज का आपका वर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बुक के अंदर. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 बुक में करेंगे, 5 नोटबुक में, 6 बुक में, और ये मेंटल मैथ्स भी आप अपने बुक के अंदर ही करेंगे. थैंक यू.